एवरीवन, आज हमारे इस समय टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 11:15 11:30 के आसपास। और सबसे पहले तो हम सब आपको जन्माष्टमी की और कृष्ण जन्म की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे, और जो आपने काम पे लग गई है, क्योंकि इस समय पर प्रिपरेशन चालू हो जाती है ताकि हम 12 बजे तक कृष्ण जी को नहला दें, धुला दें और उनको प्रसाद लगा दें, आरती करें। ये सबसे बेहतरीन टाइम होता है हमारे, मतलब दिवाली से पहले अगर कोई एक मोमेंट बड़ा अच्छा लगता है ना, तो ये जन्माष्टमी पीरियड लगता है। बचपन में ऐसा क्या होता था ना, जब हम लोग रहा करते थे तो वहां पे क्या होता था, अधिकतर घरों के बाहर बच्चे झांके बनाया करते थे, तो द कॉन्सेप्ट इज नॉट अवेलेबल एनी मोर, ऐसा नहीं होता है। बट देन सब अपने अपने हिसाब से जागरण करते हैं। ऐसे हमारी सोसाइटी में एक छोटा सा पंडाल लगा हुआ है जहाँ पे इनके का शाम से ही भक्ति संगीत वाला प्रोग्राम चल रहा है कृष्ण जी को लेकर। तो काफी सारी चीजें हमने कर ली हैं। अब जोस्ना इस समय बना रही है पंजीरी प्रसाद के लिए, तो अभी आपको एक छोटा सा एक ग्लिम्स देते हैं पंजीरी का, जोस्ना से मिलवाते हैं आपको, सो दैट शी कैन ऑल्सो विश यू हैप्पी जन्माष्टमी। हाँ जी, से हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। सो अभी हम बना रहे हैं पंजीरी। अब देखिए रोज जोशना के साथ साथ सत्यम भी विश कर चुका है सबको। हाँ, हाँ जी, हैप्पी जन्माष्टमी है और अभी हम बना रहे हैं पंजीरी और ऑलमोस्ट बन चुकी है, क्योंकि पंजीरी का प्रसाद लगेगा कृष्ण जी को। उनको अभी हम न्यू ड्रेस भी लेकर आए हैं उनके लिए, तो उनको न्यू ड्रेस पहनाएंगे और उसके बाद फिर उनको नहलाएंगे और 12 बजे फिर उनका बर्थडे सेलिब्रेट। जैसे हम लोगों का बर्थडे है तो उन लोगों का भी बर्थडे ऑब्वियसली। और पता है बचपन से ही हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते आए हैं मजे से। अधिकतर मेरी मम्मा थी ना, वो बनाती थी उसकी कोकोनट की पंजीरी, एक बनाती थी धनिया की बनाती थी। बट देन मुझे धनिया की इतनी पसंद नहीं, कोकोनट की खा लेते हैं। बट देन अभी हम लोगों ने सोचा कि हम आटे की बनाते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी फेमस और अच्छी भी लगती है सबको खाने में, और प्रसाद में अच्छे से बांटी भी जा सकती है। बट हमने थोड़ी सी बनाई, ज्यादा नहीं, क्योंकि हाँ। बाजार डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना हमें खाना, तो हम चाह रहे हैं कम से कम ही खाएं, मीठा तो अच्छा है ना दोस्तों। चाट के अकॉर्डिंग बनाई है, और विशी को बहुत पंजीरी पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। सत्यम तुझे कैसी लगती है पंजीरी? अच्छी लगती है। खाई है तुम्हारे गाँव में? बनती है सर, हमारे गांव में कैसे सेलिब्रेट होता है ये? मंदिर है सर हमारे यहाँ तो, वहीं मतलब सच्चा। नहीं, जैसे घर में कैसे करते हो, किशन जी को नहलाते हो? व्रत रख लिया सुबह, कृष्ण जी को नहलाया सर। इनके यहाँ पे फास्ट रखा जाता है। अच्छा, इनके तुम्हारे फास्ट रखा जाता है। और घर में क्या प्रसाद में क्या बनाते हैं? प्रसाद में सर ये पंजीरी बना लिया, और बाहर से कुछ सामान लिया, पेड़ा वेड़ा हो गया सब चीज। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो, सबके यहाँ अलग अलग, मैंने सत्यम से जो पूछा, क्योंकि सबके अलग अलग ट्रेडिशन है, अपना अपना मनाने का तरीका है, तो सब हमें जानना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि सब जगह पे लोग कैसे कैसे मनाते हैं। ये था हमारा तरीका, आप भी अपने तरीके से मनाइए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी फ्रॉम ऑल ऑफ अस फ्रॉम रॉड अब्रिज फैमिली। मजे से एंजॉय कीजिए, भगवान का वेलकम कीजिए, ताकि बहुत सारा लक आए आपकी लाइफ में, बहुत सारा लक्ष्मी आए और आप बहुत ज्यादा ग्रो करें लाइफ में। सो अब फाइनली वो मोमेंट आ गया जिसका हम वेट कर रहे हैं। अब आधा घंटा हम दूर है सिर्फ, तो चरणामत से स्नान कराया जा रहा है हमारे कृष्ण जी को, मस्त एकदम झकास, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आज गणेश जी का भी नंबर लग गया, ये भी अच्छा है। चलो, हमने कहा सब भगवान जी को मिलाते रात को, अभी तो मंदिर भी डेकोरेट होगा। हाँ। चलो फिर तो और भी अच्छा, गुड है। गणपति बप्पा मोरिया। अब देखिए, अभी फिलहाल मंदिर ऐसा है, अभी इसको डेकोरेट किया जाएगा पूरा, और फिर ये नए तरीके से सज जाएगा, और फिर आपको दोबारा इस मंदिर को दिखाएंगे। अब देखिए जोआ ने कितना अच्छा मंदिर डेकोरेट किया आज, तो जोआ और सत्यम ने ही सब कुछ किया है। ये रहा हमारा प्रसाद, अभी चरणामृत अंदर है, बाकी एवरीथिंग इज सेट एंड डन, बस यहाँ से प्रिपरेशन चालू होंगी और सारी चीजें आपको दिखाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जैसे से पूजा करेंगे, जैसे से किशन जी का वेलकम करेंगे, सब आपको दिखाएंगे। सो अब फाइनली टाइम आ चुका है हमारे बाकी बिहारी को याद करने का, 2 मिनट बचे हैं 12 o'clock होने में। जोआ इज ऑन द गो, तैयारी चल रही है पूरी, यहाँ जोत जलाई जा रही है, और इसके साथ साथ हम किशन जी को बहुत अच्छे तरीके से याद करने वाले। सबसे बेस्ट पार्ट ये है, इस मोमेंट पर सब बहुत फ्रेश फील करते हैं। सत्यम गया टी शर्ट चेंज करें, रमन को भी हमने अपने पास ही बुला लिया है, रमन भी आ चुका है, बस पूजा करके निकलेगा, पूजा का ही वेट कर रहा था इतनी देर से ही, सो बस पूजा करके जाएगा। रमन कैसा फील हो रहा है जन्माष्टमी में? सत्यम कैसा फील हो रहा है? सत्यम कपड़े वपड़े चेंज करके आएगी तो फ्रेश लुक के साथ आया है, और बस हम लोग तैयारी कर रहे हैं, फटाफट से आरती करेंगे और भगवान का वेलकम करेंगे। बिहारी की जगदर कृष्ण मुरारी की आरती, कुंज बिहारी की जगदर कृष्ण मुरारी की, बोलो बाके बिहारी लाल की।
जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में आप सबसे एक बहुत अच्छी बात शेयर करना चाहूँगा जो कि श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन से कही थी। उन्होंने कहा था, कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ना प्यार जता दुश्मन से, युद्ध कर। कृष्ण का ये कहने का मकसद सिर्फ एक था कि कर्म सर्वोपरि है और उससे ऊपर कुछ नहीं, सो अपना कर्म करते जाइए और बाकी सब ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। जय श्री कृष्ण। तो इस तरीके से सेलिब्रेट की हमने हमारी जन्माष्टमी बहुत हर्षोल्लास के साथ। भगवान करे जिस तरह हमारी जन्माष्टमी बहुत शुभ और अच्छी रही, उसी तरह आप सबकी भी बहुत अच्छी रहे, बहुत खुशियाँ आएँ आप सबकी ज़िंदगी में और हम सब ऐसे ही फलते फूलते रहें। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओम साई राम। Don't worry.